तो एक और कॉन एक और डिसएडवांटेज सेल्फ क्लेम्ड बाय फ्रीलैंस अकॉर्डिंग टू द सर्वे लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे एक बड़ी मजेदार बातें मैंने लिखी हुई जो आपको मैं पहले से बता रहा था लेकिन अब आपको मैं प्रूफ भी कर रहा हूं जनाब पचास फीसद लगभग फ्रीलैंस कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक सिचुएशंस में बैलेंस ना हो ऊंच नीच हो इनके काम पे इफेक्ट पड़ता है मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी कंट्री के हालात आपके मुल्क के माशी हालात पे फ्रीलांसर्स को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये काम पंद्रह एक साल से कर रहा हूं इतर अरसे कर रहा हूँ देख रहा हूं मुल्क में जाहिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती रही मुल्क के हालात तब्दील होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेकिन काम पे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एम्प्लॉयर जब किसी फ्रीलांसर को हायर करता है तो वो फ्रीलांसर को हायर करता है वो कंट्री को हायर नहीं करता ये बात याद रखिएगा आप अपने पोर्टफोलियो आप अपनी स्किल आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल चार चीजों से पहचाने जाते हैं ठीक ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आपकी ये चारों चीज़ें अच्छी हैं तो एम्प्लॉयर इज़ लीस्ट पॉडर्ट यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है या क्या माशी हालात है एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब क्लाइंट रिटेंशन होती है, यानी कि एक क्लाइंट के साथ कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट फिनिश कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरा प्रोजेक्ट उनके साथ करते हैं तब आके एम्प्लॉयर ने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू बिलोंग टू मैं कहा जी आई एम अ पाकिस्तानी वो कहता ओ पाकिस्तानी या आई नो यू गॉट गुड ग्लेशियर्स एंड बिग माउंटेन्स उसको शौक था हाइकिंग का और माउंटेन बाइकिंग का तो वो जनाब तब आके उसको पता लगा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है वो भी पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद और वो पहला प्रोजेक्ट भी छोटी रकम नहीं थी ठीक ठाक प्रोजेक्ट था सो so, यूजुअली जो चार बातें मैंने आपको बताई हैं एम्प्लॉयर का सरोकार उन्हीं बातों से होता है आप काम अच्छा करने वाले हैं बेहतर करने वाले हैं आपके मुल्क के माशी हालात बिल्कुल डिपेक्ट नहीं करते आपके काम पे आपको एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन मनी ही आ रहा होता है फॉरेन मनी मसाल के तौर पे अगर देखा जाए एक लिहाज से अगर डॉलर का रेट हाई है ये तो आपके लिए फायदा हो गया भाई माशी हालात अगर देखा जाए एज अ फ्री लेंसर हालांकि मैं इसका एडवोकेट नहीं हूँ मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा बट अगर मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं तो इसका मतलब डॉलर रेट हाई हो रहा है आपको तो फ्री लेंसर बेनिफिट हो गया हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज़ इट अफेक्ट्स दी ओवरऑल इकॉनमी सोसाइटी में इम्बेलेंस आता है अमीर अमीर होता जाता है गरीब गरीब होता जाता है और ये इस्लामी माशरा और इस्लामी तलिमात के भी ख़िलाफ़ है कि माशरे में अदल इंसाफ होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए बट अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत होगी ये पचास फीसद वह लोग हैं जिसके नीचे मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जनाब पिछले कुछ सालों में फ्री तो बिल्कुल चेंज हो गई है ये फिनला ही तब्दील हो गया जो स्टार्ट हुआ था और अब जो फ्री है वक्त ने फ्री को बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम पर ले गया है जनाब डाउन एंड फॉल हर शोबे में आता है हर काम में आता है और एक बात देखी जाए कि फ्रीलैंसिंग इवेंचुअली फॉरन मनी है तो जनाब जितना मर्जी जो है वो आप पे इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन हो आपका रेवेन्यू बढ़ता ही रहता है और बॉटम लाइन ये है कि अगर सही तरीके से की जाए अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि आपको पता है कि आप एक हुनरमंद स्किल्ड फ्रीलांसर हैं और अगर आप अपना टैलेंट सही तरीके से बुरकार लाते हुए काम खुशसलूबी से खत्म करते हैं तो जनाब ये जो आजादी एज अ फ्री लांसर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है एज अ फ्री लांसर हु वुड माइंड दैट एट द एंड ऑफ द डे आप पे कोई हुक्म नहीं चला रहा यू आर बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ ऑल इट रिक्वायर्स एज आप अपने आप को पहचाने अपने टैलेंट को पहचाने सक्सेसफुल हो जाएं पैसा ऑटोमैटिकली आ जाएगा बिकॉज मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस